नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी हुई सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। क्या क्या ऐलान हुआ है, किस किस राज्य में जो है लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, कहां कहां पर ढिलाई दी जाएगी, इसके अलावा गरीब लोगों के लिए क्या क्या जो है सरकार की तरफ से घोषणाएं हुई है, तमाम बड़ी खबरें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गरीब लोगों के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की है, किस राज्य के लोगों को 5,000 रुपये मिलेंगे, उनके खाते में सीधे जमा होंगे। इसके अलावा दोस्तों शराबबंदी को लेकर क्या खबर आ रही है दोस्तों, तमाम बड़ी खबरें आपको बताने हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो बिना देरी किए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए चलते हैं आज की ताजा खबरों पर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ाने के बाद हरियाणा सरकार का ऐलान, गरीब परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू पाबंदियों के बीच हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की मदद के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीब परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। सरकार का कहना है कि पाबंदियों की वजह से गरीब परिवारों की आजीविका बंद हो गई है और इसलिए यह फैसला लिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5,000 रुपए देने का फैसला किया गया है क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना पड़ रहा है, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा के जो गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग हैं, मजदूर हैं, उन सबको 5,000 रुपए हरियाणा सरकार देने वाली है। तो ये भी इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चलिए दूसरी खबर में चलते हैं दोस्तों। कोरोना अपडेट, 24 घंटों में सामने आए 366,161 नए मामले, 37.40 लाख से ज्यादा हुए सक्रिय मामले। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 366,161 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 48,401 नए मामले दर्ज किए गए हैं, कर्नाटक में 47,930 और केरल में 35,801 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,754 लोगों के मरने की सूचना भी सामने आई है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से देखें तो अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोरोना घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों आने वाले 10 से 20 दिनों में ऐसा देखा जा सकता है कि कोरोना अब जो है घटता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं अधिकतर रिकवर हो रहे हैं दोस्तों, आपको बता देना चाहते। तीसरी बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में चलते हैं दोस्तों। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, तीसरी अपडेट, पीएम किसानों। जी हाँ, किसानों को आज मिल सकते हैं 8वीं किस्त के 2,000 रुपये, लिस्ट में फटाफट ऐसे चेक करें अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि केंद्र सरकार आज यानी कि किसानों के बैंक खातों में 8वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त आमतौर पर 20 अप्रैल तक आ जाती है, लेकिन इस बार जो है बहुत ही लेट हो गई है। क्यों हो रही है देर? जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से ही इस बार किस्त में आने में देर हो रही है। इसके अलावा जिन अपात्र किसानों को पहले इसका लाभ मिला है उनसे पैसा वसूलने की प्रक्रिया की गई है। हालांकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 9.5 करोड़ किसानों को पहले किस्त के रूप में कुल 19,000 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये तो बड़ी अपडेट है और किसानों के लिए अच्छी खबर है। हर साल मिलते हैं 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, हर साल 3 किस्तों में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। 14 मई से बंगाल के किसानों को मिल सकते हैं पैसे। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है, 14 मई से बंगाल के किसानों को भी मिलेंगे पैसे। वही पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त किसानों को मिलने जा रही है। इस राज्य के लाभार्थियों को 2,000 रुपए की पहली किस्त 14 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इतने साल तक पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों की इस मदद को रोक लगाकर रखी थी, लेकिन अब जो है ये मदद वहां के किसानों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात कर लेते थे दोस्तों। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 10 पॉइंट में जाने क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। यहां बीते कई हफ्तों से कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे, इन मामलों में कमी लाने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। पहले सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाया, जब उससे भी बात नहीं बनी तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो योगी सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से है तो यह खबर आपके लिए है, पूर्व में जारी आदेश के अनुसार गुरुवार सुबह यूपी में लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन इसके बाद 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उससे पहले ही आज फिर से यूपी सरकार ने 17 मई के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया और आने वाले वक्त में लॉकडाउन और बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें, सेवाएं स्थगित रहेगी।
यानी कि दोस्तों ये बड़ी खबर जो है दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों इस वक्त की। वहीं एक और खबर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, चीन ने दिया पाकिस्तान को झटका, अब नहीं देगा लोन। जी हां दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान भिखारी पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया है, बड़ी खबर आ रही है। खस्ता हाल पाकिस्तान का उसके रहनुमा चीन ने भी साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी मेन लाइन वन रेलवे परियोजना के लिए $6 अरब करीब 43,000 करोड़ रुपए का लोन देने से चीन पीछे हट गया है। यानी पाकिस्तान भिखारी पाकिस्तान की हालत अब और भी नाजुक हो जाएगी। पाकिस्तान की जर्जर हालत में कर्ज की अदायगी न होने की स्थिति को देखते हुए उसने अपना इरादा बदला। कोरोना महामारी के बाद चीन ने पाकिस्तान में चल रही कई परियोजनाओं की अब दोबारा समीक्षा करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत चल रही योजनाओं में रेलवे की परियोजना ML1 भी है। इस योजना में चीन ने पाकिस्तान को $6 अरब ऋण देने की सहमति दी थी। पिछले दिनों इसके प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ था। पाकिस्तान ने ऋण के लिए सभी औपचारिकता पूरी भी कर ली थी। यह योजना पूर्व में $9 अरब की थी, जिसे बाद में घटाकर $6.9 अरब कर दिया गया था। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को दे दिया है सबसे बड़ा झटका। जी हां, भिखारी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो वैसे भी दोस्तों ऐसी हो रही है जैसे 100 साल पहले सभी देशों की होती थी, और अब चीन ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया है, लोन देने के लिए मना कर दिया। यानी कि अब पाकिस्तान की कमर जो है रही कई कसर भी टूट जाएगी। बीजिंग ने इस ऋण को लेकर 30 मार्च को अपने संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाकिस्तान की हालत को देखते हुए माना गया था कि इस ऋण की अदायगी में मुश्किल होगी। यानी कि चीन ने यह माना कि पाकिस्तान को अगर ये लोन दे दिया जाएगा तो पाकिस्तान इस लोन को नहीं चुका पाएगा, क्योंकि खुद चीन भी समझता है कि भिखारी पाकिस्तान की दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, जी हाँ दोस्तों महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में नीचे आ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 48,401 नए मामले, 572 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 86.4% हो गया है। ऐसे में राज्य में अब तक 44,07,818 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अभी कुल एक्टिव मामले 6,15,783 हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप चरम पर है। वहीं महाराष्ट्र से रोजाना आने वाले आंकड़ों में रविवार को कमी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक रविवार को राज्य में 48,401 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वही 60,226 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 86.4% हो गया है। ऐसे में राज्य में अब तक 44,07,818 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अभी कुल एक्टिव मामले 6,15,783 हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े को देखें तो रविवार को राज्य में 572 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में राज्य की वही दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, दिल्ली ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में नवनीत कालरा की तलाश, रेड के बाद हुआ था मोबाइल बंद। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की कालाबाजी केस का मुख्य आरोपी नवजीत कालरा अंडरग्राउंड हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए क्रंच ब्रांच की टीम ने सुराग लगाना शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की कालाबाजारी के बड़े खेल का खुलासा हुआ था। इस पूरे मामले के तार लंदन से जुड़े हुए मिले। दिल्ली के व्यापारी नवनीत कालरा के साथ साठगांठ करके करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वहीं मामले की परतें खुलने के बाद फरार हुए नवनीत कालरा का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द नवनीत की गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच कर लेगी। मुख्य आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार करने के लिए क्रंच ब्रांच ने एक टीम को उसके पीछे लगा दिया है। हर संभावित ठिकाने पर दबिश देकर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं नवनीत कालरा के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया गया, जिससे पता चला कि खान मार्केट स्थित उसके रेस्टोरेंट पर पुलिस की रेड पड़ने के कुछ देर बाद ही उसका मोबाइल बंद हो गया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव